एक तरफ सारा देश आज किसान दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी ओर बीते 28 दिनों से देश में केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन जारी है। इस मुद्दे पर इन बीसीएन संवाददाता ने दिग्रस तहसील के किसानों से बात की है, पेश है रिपोर्ट। बीते 28 दिनों से केंद्र सरकार और किसानों के बीच जारी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन नए कृषि कानूनों का पेच सुलझने की बजाय ज्यादा उलझता जा रहा है। दिल्ली सटे इलाकों में जारी किसान आंदोलन में अब तक कई किसानों ने तो ठंड में ठिठुर कर अपनी जान तक गंवा दी है। किसान वर्ग पूरी तरह से रास्ते पर उतरकर केंद्र सरकार की नई कृषि नीतियों को किसान विरोधी बताकर कृषि कानून को पीछे लेने की मांग पे अड़िग है। यही वजह है कि भारतीय किसान यूनियन ने आज एक वक्त का खाना नहीं खाने का ऐलान किया है। बहरहाल दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सहित कई राज्यों के किसान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। विदर्भ के किसानों ने भी इस बाबत अपना विरोध दर्ज किया है। राष्ट्रीय किसान दिवस के उपलक्ष्य पर बीसीएन न्यूज ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर दिग्रस तहसील के किसानों से बात की है। इस दौरान किसानों ने अपने विचार साझा कर किसान आंदोलन को समर्थन देने की बात कहते हुए केंद्र सरकार उनके समस्याओं का समाधान ढूंढे, ऐसी अपील करते हुए विदर्भ के किसानों की स्थिति को भी उजागर किया। यावर्षी आघात झालेला आहे, आघात शासनाला विचार करा। आघात म्हणजे कोणतं? बोंडाळी झालं, त्याच्यानंतर जे आता वेगळ्या वेगळ्या रंगाचे रोग येत आहे, त्याबद्दल शासनानं त्याच्या शेतकऱ्यावर लक्ष द्यावं आणि शेतकऱ्याचं कोणत्या रूपानं कसं भलं होईल हे शासनानं लक्षात घ्यावं। मी अनिल भगत या शेतकरी दिनाच्या सर्व शेतकरी बांधवांना शुभेच्छा देतो व राष्ट्रीय स्तरावर जे पंजाब, हरियाणा आणि देश स्तरावर जे आंदोलन चाललेलं आहे त्या दृष्टीनं केंद्र सरकारने त्यांच्या शेतकरी म्हणून त्यांनी विचार करावा, कारण की त्यांनी म्हणाले होते की शेतकऱ्यांचं आम्ही भलं करू। महाराष्ट्र सरकार तर आम्हाला हे करतच आहे, शिवसेना सरकार असल्यामुळे ते सर्व मदत करतील, पण केंद्रांनी आमच्या शेतकऱ्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा। आणि मी विदर्भातील शेतकरी असल्यामुळे आमची शेती अत्यंत मागासलेली आहे आणि यवतमाळ जिल्हा त्यातही मागासलेला आहे, आणि शेतकऱ्यांचं हे जे आंदोलन आहे त्या सर्वांना आम्ही शेतकरी म्हणून पाठिंबा देत आहोत। अफसोस के राष्ट्रीय किसान दिवस पर भी देश के अन्नदाता किसानों को अपने हक अधिकारों के लिए रास्तों पे उतारू होकर आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है, यह अफसोस की बात है। NBCN न्यूज़ के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।